हेलो एवरीवन, सबसे पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद। बहुत अच्छा लगता है जब आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने का। इसलिए तो आज मैं आपके लिए जो रेमेडी लेके आई हूँ ना, वो बहुत अच्छी है। बहुत अच्छा कलर आएगा बालों में जिन लोगों के बाल वाइट हैं उनके लिए, और दूसरा जिन लोगों के बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं ना उनके लिए भी ये बहुत अच्छी है, बहुत असरदार है। इसके लिए जो मैं चीज़ें लेके आई हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ। ये मैंने अब मैं नेचुरल चीज़ें इस्तेमाल करती हूँ, तो इसलिए मैं आज मैं जो सबसे मोस्ट वीडियो में जो सबसे अच्छी चीज़ लेके आई हूँ, तो ये मैंने खुद घर में आयरन बनाया हुआ है जो बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे अब बॉडी में अगर ब्लड की कमी हो जाती है वो आयरन की कमी से होती है, इसलिए अब बालों के लिए भी वही प्रॉब्लम होती है। जिन लोगों के बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं ना, वो हेयर फॉल इसी वजह से हो रहा है क्योंकि उनके बालों को जड़ों को अच्छे से पोषण नहीं मिल रहा उसके लिए, तो उसके लिए आयरन बहुत ज़रूरी होता है। ये मैंने खुद आयरन बनाया हुआ है घर में, इसे आपको बनाने के लिए मैं आपको बता देती हूँ आपको क्या करना है। आप कोई भी लोहे का बर्तन लीजिए, कढ़ाई लीजिए, बाउल ले लीजिए, एक छोटा सा कोई डब्बा ले लीजिए लोहे का, उसमें आप थोड़ा सा पानी डालकर रख दीजिए, लगभग आधी कटोरी, और उसे आप 3 से 4 दिन तक छोड़ दीजिएगा बिल्कुल, तो उसमें नेचुरल आयरन बन जाएगा। नीचे देखिए, नीचे जितना बैठा हुआ है सारा नेचुरल आयरन है, तो ये बहुत असरदार है बालों के लिए, बहुत अच्छा है। अब इस आयरन को मैं क्या करूँगी, इसे मैं अलग से बाउल में निकाल लूँगी क्योंकि हम इसमें डाई बनाएंगे इसी पानी में। ये देखिए, अभी मैं आपको दिखा देती हूँ, पानी पूरा ये रेड कलर का हो रखा है इसलिए क्योंकि ये आयरन ना पूरा पानी में मिक्स है। आप इसे थोड़ी देर रख देंगे तो ये आयरन जितना है पूरा बाउल में नीचे बैठ जाएगा। तो ये नेचुरल आयरन है, आयरन पाउडर जो हम हिना में भी इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ये अब मैं आप इसे घर में बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इसे बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको लोहे के बाउल में थोड़ा सा पानी डालकर रखना है लगभग 3 से 4 दिन तक। तो नेचुरल जितना भी आयरन बर्तन में, लोहे के बर्तन में जो आयरन मिलता है वो बहुत ही नेचुरल होता है, क्योंकि आप बाजार वाला लेंगे तो वो पता नहीं कैसा कैसा होता है। बहुत बार तो जो लोहा होता है उसे पीस कर बना देते हैं, मार्केट वाला आयरन होता है, लेकिन ये नेचुरल है तो बहुत असरदार है, बहुत अच्छा है। ये मेरी वीडियो का आज मोस्ट जो सबसे अच्छा चीज़ मैंने इस्तेमाल की है वो ये आयरन का पानी है। इसलिए सबसे पहले ये लूँगी मैं इसमें, दूसरा मैं इसमें लूँगी कड़ी पत्ते का पाउडर, ये मैंने घर में सुखा के बनाया है। कड़ी पत्ता बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, हेयर फॉल में काम आता है, बालों की जो जड़ें होती हैं उन्हें बहुत ज़्यादा मजबूत करता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन सी और विटामिन ए होता है जो बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। ये कड़ी पत्ते का पाउडर है। दूसरा मैं इसमें लूँगी अनार के छिलकों का पाउडर। अब अनार के छिलकों में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन सी होता है जो बालों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, जिन लोगों के बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं उनके लिए। दूसरा इसका ना कलर भी बहुत अच्छा आता है बालों में, बहुत ही पक्का कलर आता है अनार के छिलकों को। आप इसे सुखा लीजिएगा अनार के छिलकों को, फिर उसे पीस कर उसका पाउडर बना लीजिएगा। ये बालों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत ही असरदार है, इसलिए ये अनार के छिलकों का पाउडर लूँगी मैं इसमें। तीसरा ये मैंने आंवले को सुखा कर उसे अच्छे से भुना कढ़ाई में और उसका पाउडर बनाया है। मैंने पिछली बहुत वीडियो में इस्तेमाल किया, मैंने इसे बनाने का तरीका भी बताया है आपको कैसे बनाना है। ये आंवले, नॉर्मल आंवले लेने हैं आपको अच्छे से सुखा कर और अच्छे से उसे कढ़ाई में आपको भूनना है, उसके बाद इसे आप पाउडर बना लेंगे। ये बहुत असरदार होता है बालों के लिए आंवला, क्योंकि इसमें आंवला में भी बहुत ज़्यादा विटामिन सी होता है, बहुत अच्छा होता है, एंटी फंगल होता है बालों के लिए, और इसलिए बालों की स्कैल्प की जो प्रॉब्लम है ना उन्हें दूर करने में भी आंवला बहुत अच्छा होता है, जिस वजह से बाल आपके झड़ रहे हैं। इसलिए अब इसमें मैंने आंवला पाउडर भी लिया है जो मैंने सुखा कर भून कर बनाया है। अब और इसमें मैं लूँगी शिकाकाई का पाउडर। शिकाकाई ये नॉर्मल शिकाकाई है, बस मैंने इसे सुखा कर इसे पीसा हुआ है। अब मैं बाजार की चीज़ें इसलिए इस्तेमाल नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है जितनी भी चीज़ें होनी चाहिए वो घर की हों, नेचुरल हो, तो ज़्यादा असरदार रहती है, क्योंकि बाजार की चीज़ों में बहुत ज़्यादा मिलावट होती है। इसलिए तो ये मैंने खुद ही घर में पीसा हुआ है, ये शिकाकाई का पाउडर है। शिकाकाई भी बालों के लिए बहुत अच्छी होती है, बालों को काला करने के काम आती है, बालों की स्कैल्प की प्रॉब्लम दूर करती है, क्योंकि नेचुरल चीज़ें हैं तो एंटी फंगल होती है, एंटी बैक्टीरियल होती है, तो उनसे क्या होता है बालों की जितनी भी प्रॉब्लम है ना वो बहुत जल्दी दूर होती है। इसलिए और इसका डाई में तो कलर बहुत अच्छा आएगा, बहुत ही, जिन लोगों के बाल बहुत ज़्यादा वाइट है ना उनके लिए ये बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें जितनी चीज़ें मैंने इस्तेमाल की हैं वो वाइट वालों के लिए भी काम करेगी, हेयर फॉल के लिए भी काम करेगी, ताकि जिनकी ग्रोथ और जिनकी ग्रोथ रुक गई है ना उनके लिए भी बहुत अच्छी है, क्योंकि बहुत लोगों के बाल जल्दी जल्दी नहीं बढ़ते, उनके लिए भी बहुत अच्छी है, क्योंकि मैंने इसमें कड़ी पत्ते का पाउडर लिया है। कड़ी पत्ता बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, बालों को बढ़ाने के बहुत अच्छा काम आता है। अब इसके लिए मुझे चाहिए, मैं बनाना बता देती हूँ आपको। इसके लिए मैं एक फुल
टीस्पून मैं हिना लूँगी, क्योंकि ये सब चीज़ें मिलाएंगी तो हिना थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। फिर ये मैंने एक चम्मच अपने बालों के हिसाब से, क्योंकि मैं थोड़ा रूट्स में इसे अप्लाई करूँगी, इसलिए आप अपने बालों के अकॉर्डिंग थोड़ा ज़्यादा लीजिएगा जितने आपको लग रहा है कि अगर आपको पूरे बालों में लगानी है तो आप इसकी क्वान्टिटी बढ़ा दीजिएगा हिना की, उसी अकॉर्डिंग आप सामान की क्वान्टिटी बढ़ा दीजिएगा। और अगर थोड़ा बहुत सामान ज़्यादा या कम हो जाता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि नेचुरल है तो ज़्यादा नुकसान नहीं देगा। ज़्यादा भी मत डालिएगा, लेकिन इतना डालिएगा कि क्वांटिटी के हिसाब से जितना मैं बता रही हूँ आपको। अब मैंने एक फुल टीस्पून मैंने हिना ली है, उसमें मैं कड़ी पत्ते का लगभग एक चम्मच में एक पूरा भर के कड़ी पत्ते का पाउडर लूँगी मैं इसमें, और एक ही चम्मच में इसमें अनार के छिलकों का पाउडर लूँगी, आधा चम्मच में इसमें शिकाकाई का पाउडर लूँगी, और लगभग एक चम्मच ही मैं इसमें आंवला का पाउडर लूँगी। अब मैंने एक सब कुछ एक एक चम्मच लिया, सिर्फ शिकाकाई का पाउडर आधा चम्मच लिया है, क्योंकि शिकाकाई इसलिए लिया है क्योंकि रोस्टेड आंवला है तो उसके साथ शिकाकाई थोड़ा कम चलेगी। अगर आप चाहें तो फुल टीस्पून ले सकते हैं, ठीक है। अब इन सबको अच्छे से मिलाना है। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बताऊँगी। इसलिए अब इन सबको आप अच्छे से मिला लेंगे, उसके बाद जो मैंने ये आयरन का पानी बनाया ना, यही मैं इसमें डालूंगी पहले। अब इसको अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। अगर लग रहा है हमें थोड़ा पानी की जरूरत है तो नॉर्मल पानी हम इसमें यूज कर लेंगे थोड़ा सा। अब मैंने थोड़ा सा, इसलिए मैंने थोड़ा कम बनाया था क्योंकि मुझे थोड़ा रूट्स में अप्लाई करना था हिना को इसे। आप थोड़ा ज्यादा भी बना के रख सकते हैं। अब इसे अच्छे से इसका पेस्ट बना लेंगे। जिन लोगों को हेयर फॉल की प्रॉब्लम है ना, उनके लिए भी आयरन का पानी, जो आप इसके पानी में जो हिना घोलेंगे वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी कलर तो आता ही है आयरन पाउडर से भी, लेकिन इससे क्या होता है ना, बालों की जितनी भी रूट्स की प्रॉब्लम है ना वो बहुत जल्दी दूर होते हैं, क्योंकि बालों को ना एक नेचुरल पोषण मिलता है जिससे हेयर फॉल की प्रॉब्लम दूर हो जाती है, कलर भी करती है बालों को साथ साथ। इसलिए अब इसे अच्छे से पेस्ट बना लेंगे इसको हम। ये देखिए अच्छे से इसका पेस्ट बन गया है। अब इसे हिना को बनाने के बाद आपको इसे ढककर कम से कम इसे आप इसे लगभग 48 घंटे के करीब रख दीजिएगा, लगभग 2 दिन के करीब इसे रखिएगा आप, क्योंकि इसमें अगर जिन लोगों को बहुत ज़्यादा वाइट बाल है ना वो इसे 2 दिन रख सकते हैं, क्योंकि 2 दिन के बाद वो अप्लाई करेंगे ना तो इसमें बहुत ज़्यादा ब्लैक हो जाएगी और बालों के लिए बहुत अच्छी रहेगी। और जिन लोगों को नॉर्मली बहुत कम इक्का दुक्का जैसे वाइट बाल है तो वो इसे 1 दिन रख दीजिएगा तो उसमें उसका कलर थोड़ा कम आएगा, लेकिन 2 दिन रखेंगे ना आप लगभग 48 घंटे तो इसका कलर बालों में बहुत अच्छा आएगा, बहुत ही असरदार है। 1 से 2 घंटे अप्लाई कीजिएगा। जिन लोगों के बाल बहुत ज़्यादा वाइट है वो इसे हफ्ते में 2 बार अप्लाई कीजिए, जिन लोगों को सिर्फ नॉर्मली ब्लैक कलर देना है बालों को वो इस हफ्ते में 1 बार अप्लाई कीजिएगा। रूट्स की प्रॉब्लम तो दूर होगी, साथ साथ हेयर फॉल की प्रॉब्लम दूर होगी, क्योंकि रूट्स में जितनी भी प्रॉब्लम है ना वो सब उसी की वजह से आपके बालों की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। वाइट बाल हो जाते हैं, बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, बालों में एलर्जी हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है इसलिए। और इसमें जो मैंने सब चीज़ें इस्तेमाल की हैं ना वो बहुत अच्छी हैं, बहुत असरदार हैं। इसे आप अप्लाई कीजिएगा, कैसी लगी मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। और एवरीवन लाइक सब्सक्राइब शेयर तो जरूर कीजिएगा, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो आपको कुछ समझ नहीं आया तो मैं आपको कमेंट का आपके जवाब जरूर दूंगी, इसलिए प्लीज़ एवरीवन लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। डाई बनाइएगा, आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू एवरीवन।